तो दोस्तों इसका हेड भी आप देख सकते हैं यहीं पर, नहीं निकलेगा क्या? ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नजदीक से आपको बता रहा हूँ, प्रिंस का कैमरा दो बोले दो प्रिंस सेटिया था कैमरा दे प्रिंस ये देखिए वो देखो फन की तो देख फन कर दिया स्पेक्टिकल कोबरा वो देख फन की तो देखो ये क्या दोस्तों सभी का स्वागत करते हैं तो आपके सीजन सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लगभग शाम के 5 बजे हमारे स्टूडियो खोला है, एक दिन पूरा सिर्फ यूट्यूब के समय आता है। उदयपुर से आप जाते हैं तब कुमाड़ा रोड के पास ही एक पूरा गांव है, गांव से जस्ट आगे कहीं फार्म हाउस के अंदर मुर्गी के शिकार में कहीं सांप बैठा हुआ है और काफ़ी जो परेशान हो रहे वो लोग। चल के देखेंगे फटाफट क्या स्थिति है। अगर वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर, जिनको नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हम फॉरेस्ट में थे, मैं कुछ काम से आया था यहाँ पर सांपों को रिलीज करने, तो रिलीज करते एक कॉल आ गया, तो चलिए वहाँ लेके चल जाते हैं। रेस्क्यू पहुंच गए चुके हैं एकलिंगपुरा, तो अब लेके चलते हैं आपको अंदर पिंजरे के अंदर। तो इस पिंजरे के अंदर है और यहाँ पर ये टॉर्च जहाँ जल रही है वहीं पर बैठा हुआ है। चलिए देखते कौन सा सांप है। लो भैया छोड़ दिए। तो दोस्तों एक बहुत ही मुर्गे के जस्ट सामने ही एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बैठा हुआ है, ये देखिए उसी को देख रहा है दोस्तों। ताज्जुब की बात ये, जहाँ पर ये टॉर्च लगी हुई है आप देख सकते हैं, काफ़ी कम जगह है स्पेस काम करने के लिए। नजर आया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखते हैं आप, ये सब मुर्गे हैं यहाँ पर प्रिंस, अजन प्रिंस मैंने। और ये देखिए ये हटा सकते क्या अपन, ये हाँ धीरे धीरे हटाना बिल्कुल ठीक है, इसको धीरे धीरे हटाना, प्रशांत जी हटाओ। हाँ अंदर खाली, बस हम दो तीन दिन बस प्रिंस को अंदर बुला दो, बिल्कुल धीरे धीरे हिलाना नहीं बिल्कुल। हाँ दोस्तों इसको हटा रहे हैं तरपाई को बिल्कुल धीरे धीरे, राधानापुर नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से टॉर्च करूं क्या? थोड़ा सा ऊपर। हाँ इसका हेड भी यही है, तो दोस्तों इसका हेड भी आप देख सकते हैं यहीं पर, नहीं निकलेगा क्या? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा मुर्गी के जस्ट सामने बैठा हुआ है और काफी दिलचस्प नजारा है ये। इसको भी लेना है, मुर्गी को पीछे लेना भैया, कोई नहीं काटेगा टेंशन मिल जाओ। अरे एक ने मार दोस्तों पूरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पूरा स्क्रीन पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। इसे लोग हमारे आम भाषा में नाग कहते हैं, साइंस नेम इसका नजर ना जा। इसमें दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है, ये एक जहरीला सांप है, भारत के 4 जहरीले सांपों में से एक है। ये बिल्कुल करीब से आप देख सकते हैं किस तरह से दिखता है ये। तो ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आया और दोस्तों एक मुर्गी को इसने मार दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से दिखता है ये। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है दोस्तों, अगर ये काट लेकर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान को, अगर सही टाइम पर हॉस्पिटल ना ले जाए तो इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि सांप के काटने पर इन बाबा और नौजवा के पर चल जाते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। आपको उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है, इधर हो सके जल्दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर की राय लेकर अपना इलाज कराएं। तो ये बिल्कुल आप देखिए करीब से किस तरह से दिखता है ये। कभी भी सांप दिखे तो आप उसे मारे नहीं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9414234826982958977222 दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उदयपुर के आसपास या उदयपुर के कहीं भी आपको सांप दिखे तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब इसका हम रेस्क्यू करते हैं दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है फाइनली, तो इसने एक मुर्गी को मार चुके हैं। तो ये दोस्तों अब इसका रेस्क्यू करते हैं बिल्कुल सरगम से, बाहर निकलते हैं, काफ़ी देर का इंतजार हो चुका है। वो देखो फन की तो देख फन कर दिया स्पेक्टिकल कोबरा, वो देख फन की तो देख भैया क्या है, खतरा अंडा खा था गिन ले बोले गिन ले, यहाँ पर कहाँ पर नहीं बिल्कुल भी जगह नहीं है, फुल हो रहा होगा देखा इसीलिए तो नहीं हिल ही नहीं रहा। जान दो एक मिनट रुक, फिर हो ठीक है। चलिए
ये बैग के अंदर जा चुका है काफ़ी देर के प्रयास के बाद। अब इसे बिल्कुल तरीके से हम बंद करेंगे। यहाँ के लोगों से मिला जिन्होंने कॉल किया था हमें, तो वीडियो हमारे साथ बने रहे। मेरा नाम सुरचरण सिंह चंदावत है। इकलिंगपुरा के पास में रानी की बावड़ी के अपने फार्म है। तो आज हमारे एक देसी मुर्गी हमने रखी थी, उस कमरे में आज एक ब्लैक कोबरा आ गया था। तो मैंने राठौर साहब को आज स्पेशल फ़ोन करके बुलाया। इन्होंने बड़ी टीम का बहुत अच्छा हार्ड वर्क और चतुराई से उस सांप को कैप्चर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच सर। पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम है। इसको हमने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसे लोग हमारे आम भाषा में नाग कहते हैं। इसी मुर्गी के मुर्गियों के अंदर शिकार करने पहुँच चुका था, तो यहाँ पर इसे परफेक्ट इन्वायरमेंट रिलीज़ किया। आप देखते हैं काफ़ी घना जंगल, इसके लिए परफेक्ट हैबिटेट है। तो मिलेंगे और किसी भी वीडियो में किसी को आज के सुन जैन जवाब। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लोगों तक आगे पहुँचे। हाँ।